विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई भुवन, उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र रहते थे। भुवन की पत्नी का एक भाई वासु था, जिसने कई तरह तरह की गलतियां की थी, लेकिन तब भी भुवन उसे माफ कर दिया करता था। लेकिन एक बार उस वासु ने ऐसी गलती की थी जो माफी लायक नहीं थी, जिसे वह भी अच्छे से जानता था। भुवन भी उसे इस गलती पर कोई ना कोई सजा देना चाहता था। एक दिन वासु के घर छोटा सा समारोह था, जिसमें वह भुवन और अपनी बहन को आमंत्रित करता है। उस समारोह में भुवन शामिल भी होता है, लेकिन वह वासु के सामने आने के बाद भी भुवन उससे एक शब्द भी नहीं कहता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तो बता विक्रम, भुवन तो वासु को कोई सजा देना चाहता था, तो भुवन वासु से कुछ कहे बगैर चुपचाप क्यों चला गया? तो सुन बेताल, भुवन वासु को इस बार सजा देना चाहता था, और किसी को मारने या डांटने से सबसे बड़ी सजा होती है उस इंसान के सामने से एक शब्द भी ना बोलकर वहां से चुपचाप चले जाना। ऐसा करने से गलती करने वाले इंसान के मन में यही बार बार ख्याल आता है कि इससे अच्छा तो वे मुझे मार देते या डांट फटकार लगा देते। इसलिए भुवन ने वासु से कुछ भी नहीं कहा। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।